नमस्कार, माई सेल्फ पूजा भट्ट एंड आई एम फ्रॉम माई कॉलेज ऑफ एजुकेशन. एज अ NSS वॉलंटियर आई एम हेयर इन माई लोकेलिटी टू अवेयर द पीपल अबाउट द NSS प्रोग्राम दैट इज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. तो अपनी उम्र के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है. इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आती हैं और कुछ आती हैं हमारा पौष्टिक चीज़ें, जैसे कि अगर हम प्रैक्टिस, हमें वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए. और जब पौष्टिक की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, जिसमें आते हैं हमारे फल, सब्जी, अंडे, दूध, इन सब का सेवन करना चाहिए. और न्यूट्रिशन की बात करें तो आपने सुना होगा कैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और डायबिटीज़ और बीपी की भी काफ़ी शिकायत रहती है या फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो उनसे बचने के लिए हम कैल्शियम से भरपूर मात्रा में हम ऐसे फल, ऐसे सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम मिले. और तो और जैसे कि आप अपना खास ख्याल रख सकते हैं, आप खूब सारा पानी पीजिए और कोशिश कीजिए कि आप धूम्रपान या जो भी शराब नशीली चीज़ें हैं आप उनसे दूर रहें और कम से कम 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लें. और इसके साथ साथ हमने एज ए NSS वॉलेंटियर हमने कुछ पोस्टर बनाए हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं ये आपको दूँ और आपसे आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इसे फॉलो करेंगे और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उन्हें ज़रूर देखेंगे और आगे भी अपने जो आसपास के लोग हैं आप उन्हें भी जागरूक करेंगे. और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूँगी कि आप लोग स्वस्थ रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और अपना सेहत का आप ख्याल रखें. तो मेरी यही आशा रहेगी कि आप अपना ध्यान रखें. और थैंक यू, आपने मुझे सुना, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रख सकूं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आज मैं आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी, ठीक है? पहले आप मुझे बताइए कि आपको अपने रोजाना की ज़िंदगी में किस तरीके से, मतलब अपनी लाइफ में पौष्टिक आहार लाते हो. क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में सैर वगैरह करते हैं, तो फिर जाते हैं तो काम शाम वगैरह करते हैं, तो फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं. मतलब बस यही है, रोज़ का रूटीन यही है हमारा, उठना, खाना पीना, बच्चों को देखो, बस वो ही है. और क्या नहीं, पौष्टिक आहार के लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए. सबसे पहले तो आपको सुबह जो है नाश्ता करना चाहिए, ठीक है ना? नाश्ता तो ज़रूरी है. ली क्या रहे हो, मतलब पौष्टिक आहार का मतलब हो गया कि आप अपने जी अपने हेल्थ को फिट रखने के लिए आप क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में ले रहे हो. हाँ, जैसे कि आपको हरी सब्जियाँ लेनी चाहिए, दालें हो गई, गेहूँ हो गया, आटा हो गया, और सबसे मेन हो गया जो मिलेट्स है, मिलेट्स हो गया बाजरा. वो तो जो है उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, ठीक है? बाजरा से तो एक तो बहुत सारी रेसिपीज भी बनती है, आप खाते ही होगे उसको, है? और उससे आपकी बहुत सी बीमारियां भी दूर होती है, जैसे कि मोटापा हो गया, पाचन हो गया, ठीक है, रूसी, छाल, ये सारी बीमारियां दूर करने भी मिलेट्स जो है बहुत मदद करता है, ठीक है? और आपकी रोजाना जिंदगी में आप योगा, एक्सरसाइज का इन सब को फॉलो करते हो? हाँ, करते हैं. हाँ, आपको रोज जो है सुबह योगा, एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है? तो आपको सुबह पानी भी पीना चाहिए. ये भी नहीं है, सबसे पहले पानी पीते हैं. पानी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, ठीक है? इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करिए और अपने लाइफ को फिट एंड फाइन रखिए. और न्यूट्रिएंट्स अपनाने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ये पूरी चीज़ें, ये आपको 66 मिनरल्स जो है आपको लेने चाहिए, जिससे कि आप, आपका परिवार जो है फिट एंड फाइन रह सकते. नमस्ते, मैं शिवाली सिंह फ्रॉम माहिर कॉलेज ऑफ एजुकेशन. मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि हेल्थ हमारी न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ से कितना इम्पोर्टेंट है. न्यूट्रिशन होता है जो हमारा पोषण, हम जो अपना आहार खाते हैं दिन में, पूरे दिन में डाइट लेते हैं, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है. आजकल जैसे हमारी ज़िंदगी टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है, हम लोगों का खाना चेंज होता जा रहा है. डाइट में बहुत कुछ हम बाहर का खाते हैं, मसालेदार चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बीमारियाँ वो बहुत फैल रही हैं.
जैसे कि बुजुर्गों में जोड़ों में दर्द होना, ब्लड प्रेशर की बीमारी या फिर डायबिटीज होना, ये सब आजकल आम हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, एक प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं। अगर हम प्रॉपर खाना खाएं जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन हो, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, पानी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन में अच्छे से खाना खा रहे हैं, उसमें हर सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप अच्छी लाइफ जी सकेंगे। जैसे आप कैसे ले सकते हैं ये सब न्यूट्रिशन चीजें, जैसे आप सीजनल फूड फ्रूट खाओ। सीजनल फ्रूट क्या होता है, जो जिस आज जैसा मौसम है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो आप पानी वाले तरल वाली चीजें ज्यादा खाओ, जैसे कुकम्बर मतलब खीरा हो गया, या फिर मूली हो गई, या फिर कोई वाटरमेलन तरबूज हो गया, ये चीजें पानी वाली चीजें होती है, और गर्मियों में इन चीजों का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ज्यादा बेटर रहेगी। और फिर दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप पानी पीते हो, आपको दिन में हर एक घंटे के बाद एक छोटा गिलास पानी पीना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो पाचन शक्ति है, जो आपका खाना पचा रहा है, आप वो बेटर से आपका काम करेगा, आप अच्छा फील करोगे। फिर तीसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप जब हम खाना खाते हैं तो हमने क्या करना है, हम लोग ज्यादातर खाना जो है वो एक ही टाइम का खा लेते हैं, पर हमने वैसा नहीं करना है, हमने थोड़ा खाना खाना है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में खाना खाना है, पोर्शंस में। जैसे सुबह खाया थोड़ी दो रोटी दो घंटे बाद खा ली, फिर कुछ फ्रूट खा लिया, सेब खा लिया, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा कि खाना अच्छे से पचेगा और आप लोग अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाओगे, अपनी हेल्थ अच्छी रख पाओगे। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम सुबह उठ के सैर के लिए जा सकते हैं, अगर हमें दूध लेने जाना है तो हम दूध लेने जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत जो होगी वो अच्छी रहेगी। और फिर आप अपने ऐसे ही अपने आहार में, जैसे आप बाजरा, ज्वार, ये जो हमारे खेतों में उगता है, आप इनकी मिक्स रोटी बना सकते हैं अलग अलग। जैसे हम अभी आटे की रोटी खाते हैं, आपने आटे की रोटी नहीं खानी, आपने वो एक टाइम के लिए खानी है, आप उसमें बाजरा, ज्वार, मक्की, ये सब मिक्स करके अगर वो खाएंगे तो वो क्या करेगी, न्यूट्रिशन बैलेंस करेगी, तो वैसे ही आपकी एक बैलेंस डाइट बन जाएगी आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में जो बीमारियां हैं उसका कम योगदान होगा और आप बीमारी से लड़ पाएंगे, आपकी सारी बीमारियां इससे कम हो सकती हैं। थैंक यू। ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज आपके सामने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप जानते हो कि हमारी जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे सारा हेल्थ इश्यूज जो है हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से आ रहे हैं, और जिसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ इतना बढ़ चुके हैं कि हम लोग अपना जो ट्रेडिशन खाना है हम उसको भूल चुके हैं। हम फ्रोजन फूड खा रहे हैं, हम प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हमारे फूड में हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हम लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं। सबसे मेन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो हमारी आजकल की टाइम में हम फेस कर रहे हैं वो है हार्मोनल डिसबैलेंस और अर्ली एजिंग एंड अर्ली ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स एज वेल। तो ये सब चीज़ें सोच करके मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसे हेल्दी टिप्स, जिसकी वजह से हम अपना इन्वायरमेंट और अपना हेल्थ इश्यूज़ को हम बेटर कर सकते हैं। हम लोग अपना खाना हमारा परफेक्ट बना सकते हैं, हम लोग हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं, हम लोग जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं, हम लोग हमारा जो रूटीन है हम हेल्दी रूटीन कर सकते हैं, हम लोग योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारी जो हेल्दी एक्सरसाइजेस हैं हम लोग बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हैं उन सब चीज़ों से। हमारी जो हेल्दी एक्सरसाइजेस हैं उससे हम लोग अपनी बॉडी को, साउंड माइंड को हेल्दी कर सकते हैं, और ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम हमारी सोसाइटी को बहुत बेटर कर सकते हैं। और मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग जिस हिसाब से बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, हम लोगों के पास में खाना बनाने को, खाना सर्व करने को टाइम नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग सब कुछ पैक्ड खा रहे हैं, और पैक्ड खाना बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स में होता है, उसमें एडल्ट्रेशन बहुत सारी होती है, जिसकी वजह से आजकल मैक्सिमम जेनेटिक्स प्रॉब्लम या मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज छोटे बच्चों से लेकर के एल्डर वीमेंस को लेकर के एल्डर सबको होते हैं। तो हमें ये करना है कि हमें थोड़ा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, हमें थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, हमें ऑयली नहीं खाना है ज़्यादा, हमें बैलेंस डाइट लेनी है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन, एक्चुअली दो टाइप के न्यूट्रिशन की मेन नीड रहती है। न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन मीन्स वो न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को लेस क्वांटिटी में चाहिए, और मैक्रो मीन्स जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में। हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए, हमें हेल्दी फैट्स चाहिए, हमें हर एक चीज़ की प्रॉपर क्वांटिटी में हमें इनटेक करना है, ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकें और हमारी बॉडी